गुड मॉर्निंग, यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस की है वो था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे इस चैप्टर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में से पूछे जाते हैं। उनकी जितने एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं उन सबको आप ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट्स बना लें। अब हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में अब तक हमने पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन और इलेक्ट्रोलिटिक कोल्बी इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, और कार्बोक्सिलिक एसिड के इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारी HVZ रिएक्शन। HVZ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। HVZ का फुल फॉर्म होता है हेल वॉलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल वॉलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो उनकी रिएक्शन अगर हम हैलोजन से कराएं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में अगर कराई जाए तो क्या बनाते हैं, अल्फा सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। अल्फा सब्स्टिट्यूशन होने के बाद अमाउंट ऑफ हैलोजन अगर ज़्यादा हो तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो अगर अल्फा पोजिशन सारी सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं तो उसके आगे भी क्लोरीनेशन हो सकता है। इसकी सारी एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल के बाद फिर इस रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है, कैसे होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह देखिए इस रिएक्शन के बारे में। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया एसिटिक एसिड से और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया क्लोरीन से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्फा पोजिशन है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या बन जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास इफ मोर क्लोरीन इज अवेलेबल देन फर्दर सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस, और एक और क्लोरीन अल्फा पोजिशन से हट जाएगा क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और अगर और क्लोरीन हो हमारे पास तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन एक बचा है ये भी रिप्लेस हो सकता है और प्रोडक्ट बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सिमिलरली ये रिएक्शन जैसे हम ब्रोमीन से कर सकते हैं, मान लो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, से वी हैव प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड में ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा पोजीशन है, और इस अल्फा पोजीशन पे हमने रिएक्शन किया ब्रोमीन का और रेड फास्फोरस से इसकी रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर अल्फा पोजीशन पे रिप्लेस होगा। बस ये ध्यान रखना है कि रिप्लेसमेंट कहाँ पर होगा, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली स्टिल इफ वी हैव ब्रोमीन देन एक हाइड्रोजन और हट जाएगा अल्फा का और क्या बन जाएगा, CH3C, दोनों हाइड्रोजन हट के COH22 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। अब देखो हालांकि मैकेनिज्म आपके इतना काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। ये रिएक्शन जो है एसाइल हैलाइड से पूरी होती है। देखो कैसे होता है, हमने फास्फोरस लिया रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस का क्या फंक्शन है कि फास्फोरस प्लस Br2, फास्फोरस प्लस Br2 से क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा। PBr2 है तो बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 डन। और उसके बाद जैसे हमने रिएक्शन कराया मान लो प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन कराया PBr3 का, ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ा था, तो क्या होगा OH ग्रुप जो है OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। OH ग्रुप Br से रिप्लेस होगा तो CH3CH2COBr प्रोडक्ट बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या होता है H3PO3। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है लेकिन करना हो तो आप यहाँ पे 3 लगा लीजिए। अब ये क्या बन गया प्रोडक्ट, एसाइल ब्रोमाइड। ये प्रोडक्ट क्या बन चुका है हमारे पास, एसाइल ब्रोमाइड। अब ये थोड़ा की स्टेप है इस रिएक्शन का, देखो इसको पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, एसाइल ब्रोमाइड।
अब इस एसाइल ब्रोमाइड का आप ध्यान से देखना, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ओ, BR, इनॉल फॉर्म में चेंज होता है। किस फॉर्म में चेंज होता है? ये इनॉल फॉर्म में चेंज होगा। इनॉल फॉर्म में चेंज का मतलब क्या हो गया? ये BR तो BR ही रहेगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? CH3 CH डबल बॉन्ड C OH BR। और अब इसमें से क्या होगा? ब्रोमीन सिलेक्शन करके माइनस एच बी आर, ये ब्रोमीन सिलेक्शन करेगा और एच बी आर निकल जाएगा, तो अल्फा पोजिशन पे क्या हो जाएगा? हैलोजनेशन। CH3 CH BR, यानी एसाइल ब्रोमाइड बना, और एसाइल ब्रोमाइड बनने के बाद अल्फा पोजिशन पे क्या होता है दिस? और ये जो एसाइल ब्रोमाइड बना है, ये जो एसाइल ब्रोमाइड बन चुका है अल्फा पोजिशन पे, सब्स्टिट्यूशन हो गया उसके ऊपर, और उसके बाद ये वापस इस एसिड से रिएक्शन करेगा और अब प्रोडक्ट क्या बना लेगा? एसाइल ब्रोमाइड तो ऐसा कैसा रहेगा? BR जो इसका कहाँ पे आ जाएगा? अल्फा पोजिशन पे आ जाएगा, इसकी अल्फा पोजिशन। तो इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें एक कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप जब भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम देंगे, एंट्रेंस वगैरह गेट के, तो उसमें आपके काम आएगा। और वरना आपको किस में काम आता है क्वेश्चन? BSc सेकेंड ईयर में नॉर्मली इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चले कि दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटेड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसाइल ब्रोमाइड। तो पहले एसाइल ब्रोमाइड बना, उसका इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन होने के बाद फिर अल्फा पोजिशन पे क्या होता है? ब्रोमिनेशन हो जाता है, और वो ब्रोमीन फिर उसमें ट्रांसफर होती है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस जो है अब चलता रहता है अपने पास। ओके, अब इस रिएक्शन की मैं बताता हूँ एप्लीकेशन। इसका पर्पज इस रिएक्शन का ये नहीं कि हम अल्फा पे हेलोजन लगा दें, क्योंकि अल्फा हेलो एसिड जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और अल्फा हेलोजन को हम बहुत सारे दूसरे ग्रुप से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे बन जाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा कितने सारे दूसरे कंपाउंड जिससे हम बना सकते हैं। जैसे हम, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, बीच में लिखता हूँ, एक साथ कई एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लो हमने स्टार्ट किया क्लोरो एसिटिक एसिड, ये अल्फा हेलोजिनेशन करके हमने क्लोरो एसिटिक एसिड बना लिया। अब क्लोरो एसिटिक एसिड ये रिएक्टिव कंपाउंड है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, और रिएक्टिव होने से क्या हो सकता है? इसको हम अलग अलग ग्रुप से एक्सचेंज कर, जैसे मान लो इसकी रिएक्शन कराया हमने एक्वस केवस से, एक्वस केवस से रिएक्शन कराया, तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है, ये क्लोरीन ग्रुप ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? इट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH। तो क्या बन जाएंगे? ग्लाइकोलिक एसिड। मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, पेन चेंज करके देखो, दूसरा देखो, हम इसकी रिएक्शन कराएं एल्कोहलिक केसियन से, किससे रिएक्शन कराया इसका? एल्कोहलिक केसियन से। एल्कोहलिक केसियन से कराएंगे, साइनाइड आ जाएगा यहाँ पर, जो साइनाइड आया आपको पता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या बनता है? एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम आ जाता है। और एप्लीकेशन देखिए आप, इसकी रिएक्शन कराया हमने अमोनिया से, एल्कोहलिक अमोनिया से, अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे इसका तो माइनस क्या हो जाएगा इससे? क्लोराइड। और जो CH Cl ग्रुप जो है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, और NH2 ग्रुप से रिप्लेस होने का मतलब क्या बन जाएंगे? एमिनो एसिड्स बन जाएंगे। तो कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड इससे बन सकते हैं देखिए, जैसे हमने NH2 से रिएक्शन कराया तो यहाँ क्या रिप्लेस हो गया? H2N CH2COOH, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड बन गया, जिसका एमिनो एसिड वाले बायोलॉजिकल नाम लिख रहा हूँ मैं, ग्लाइसिन। वह तो अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, एमिनो इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, लेकिन ग्लाइसिन इट इज ए इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड। KOH सिलेक्शन कराया तो हमारे पास कौन सा एसिड बन गया? हाइड्रोक्सी एसिड बन गया जी। तो हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का काम आता है, कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड है? इसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। साइनाइड से रिप्लेस किया तो साइनाइड ग्रुप आ गया CH2COOH। नॉर्मली साइनाइड जब भी लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि हम उसको हाइड्रोलिसिस करके उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम उसका हाइड्रोलिसिस करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2CCOH CO, ये एक इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जिसका नाम क्या होता है? मैलोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका?
मैलोनिक एसिड। तो ये इतने सारे काम आप करें HVZ रिएक्शन में। मैकेनिज्म देखा आपने, मैकेनिज्म के बाद एप्लीकेशन पार्ट, और आगे रिएक्शंस बहुत सारी कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट रिएक्शन चेंज करता हूँ मैं, नेक्स्ट रिएक्शन का हेडिंग डाल दीजिए आप, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिडक्शन में देखिए, जहाँ तक आप रिडक्शन की बात है, तो जब भी अपन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली रिडक्शन में जो प्रोडक्ट हैं बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया है। तो फोर्थ रिएक्शन अब हम कौन से पढ़ रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में एक लाइन हमेशा लिख लिया करो कि द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिडक्शन अपचयन का उत्पाद अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, जनरल लेते हैं। जैसे मान लो RC OCH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के मैं तीन प्रोडक्ट आपको बताता हूँ डिफरेंट, यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से मैं अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो सबसे पहला मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया रेड फास्फोरस और HIsic एसिड। अब रेड फास्फोरस HI एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, एल्केन्स बन जाते हैं। इस रिएक्शन को अपन एल्केन बनाने के मेथड्स में भी पढ़ते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं, डन। और जब बैलेंस करेंगे अपन तो वाटर प्लस आयोडीन बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, और इसके अंदर हमें HI कितने लेने पड़ेंगे, 6। ठीक है, दूसरा रिडक्शन बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसको रिडक्शन करते हैं। इस रिडक्शन का आपको मैंने मैकेनिज्म बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बजाय हम क्या ले सकते हैं, डाइबोरेन और ईथर, इन दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनता है, एसिड ग्रुप इज रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। एसिड ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। और फिर देखिए, अगर हम इसका डाइबोरिन से रिडक्शन कर दिया तो प्रोडक्ट ये बन ही गया, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर की प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस। हम B2H6 से, मैं इसका अलग भी लिख देता हूँ प्रोडक्ट, B2H6 से आ जाए रिएक्शन तो आंसर क्या बनेगा, RCH2OH रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल। ये दोनों एक साथ लिख दिए थे, यहाँ अलग अलग भी लिख दिया, दो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किए, तो ये बन जाता है इसका प्रोडक्ट। इसके एक एग्जांपल देता हूँ, उसको अपने आप करिएगा क्वेश्चन पूरा। मान लो एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया रेड फास्फोरस HI से, तो आप आंसर बताएं, और इधर मैं लिख रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ये दोनों का आंसर आप अपने आप लिख के देखिए, अपने आप लिख के देखते हैं, उसके बाद चेक करो मैंने क्या लिखा आंसर। इससे आंसर क्या बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पूरा ग्रुप, CH3 इथेन आंसर बन जाएगा, और अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, सिंपल था ना। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन होती है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन के हेडिंग देखो मैंने क्या डाला, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी होती है हमें, तो हमें देखना होता है कि जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड, हम ESR किसके लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। ESR का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन लिखते हैं हम, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन एटसेट्रा, तो उसके अंदर देखिए ये ग्रुप कौन सा हमारे पास, CUH। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CUH का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन सा है। सबसे पहला क्या पता होना चाहिए आपको कि CUH का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन सा है, हिंदी में बोलते हैं निर्देशकारी प्रभाव कौन सा है। उसके लिए मैंने हमेशा रूल बता रखा है, वापस सुनो इस रूल को, कभी भी कैसा भी ग्रुप लग जाए, मैं एक काम से नहीं बता रहा, जनरल आंसर बता रहा हूँ, आप जो भी ग्रुप लगाए, मान लो एक्स ग्रुप लगाए, तो आपको देखना है क्या तरीका होता है इसका। अगर एक्स के पास, इफ एक्स हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है इसके पास अनशेड्यूल्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिव। तो कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, हमेशा बताता हूँ ये पॉइंट, कभी क्योंकि इसके अंदर ग्रुप क्वेश्चन ये आया था
कि इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताइए, निर्देशकारी प्रभाव क्या होगा। अब इफ एक्स हैज मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस प्रकार का ग्रुप है, देन इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तभी कौन सा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? कि जब एक्स पे अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करता है? ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करता है। ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करने का मतलब वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है तो उस केस में क्या होगा कि रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर डीलोकलाइज हो जाते हैं, और उससे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने पर वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, तो अब कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पे। तो ये कम रिएक्टिव होते हैं। जब इस प्रकार के ग्रुप होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड ESR एंड सच ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव टूवर्ड ESR। ये ESR के लिए बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। डन। अब इसके बाद मान लो आपने क्वेश्चन ये आ गया कि वाई एसिड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ये तो मैंने बता दिया रूल कि मेटा डायरेक्टिंग है, तो उसके लिए आपको क्या बताना होगा? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के आंसर बताना होगा। देखो कैसे बताएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के आंसर। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनने चाहिए, उसके बाद देखो अपने आप आपको आंसर आया था ओ। ओ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अटैक करेगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे क्या बनेगी? देखो यहाँ पर ये ऐसा कैसा रहा, ये ऐसा रहा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ सी ओ एच, और इस ओ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पोजिशन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका आंसर केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा कि क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, और ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर सकता, तो कहां अटैक करेगा? जो भी अटैक करेगा कहां अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा, इस पोजिशन पे जो है अटैक करेंगे। ये इसका आंसर होता है दिस, कि ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस के कारण क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वहां इसके अटैक नहीं हो सकता। अब हम लिखते हैं ESR के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लिखने इसके काफी इजी हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्यों इजी हो जाते हैं? देखिए आपको पता चल गया, अब रिएजेंट पता होना चाहिए। जब भी ये रिएक्शंस करते हैं देखो हमारे को ये चीज, जैसे मान लो बेंजोइक एसिड, हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन का मतलब रिएक्शन किसे करेंगे? ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर FeCl3 FeBr3। मान लो हम कर रहे हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का रीजेंट पता होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये रीजेंट हो गया, नाइट्रेशन हो जाएगा। एंड देन मान लो हम कर रहे हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन के रीजेंट होता है फ्यूमिंग सल्फ, एफ का मतलब सधूम, हिंदी में सधूम बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर क्या बनता है, देखो मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रोडक्ट ने लिखा मैंने अभी कि हेलोजिनेशन का रीजेंट ये हो गया। अब नेक्स्ट होगा कि हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? ब्रोमोनियम आयन। इसके अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूट्रल SO3, पॉजिटिव चार्ज नहीं, SO3H ग्रुप लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसके अंदर? SO3। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? नाइट्रोनियम आयन। ओके, तो अब इसके प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी है। ये बेंजोइक एसिड ग्रुप था, आपने मेटा पोजिशन पे क्या लगा दिया? ब्रोमो, आंसर हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इस नाइट्रेटिंग रीजन मिक्सचर बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ग्रुप कौन सा लगता है? नाइट्रो ग्रुप, तो इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हमने बेंजोइक एसिड, और मेटा पोजिशन पे ग्रुप लगा दिया नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अब
इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जरूर SO3 होता है, लेकिन जो ग्रुप लगता है कौन सा लगता है, SO3H। जब भी हमने ये सर का मैकेनिज्म बताया, आपको बहुत बार बता रखा है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेजर ग्रुप हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर सल्फो, थ्री सल्फो सब्सटेंट हो जाएगा, इट विल बी थ्री सल्फो बेंजोइक एसिड, थ्री सल्फो बेंजोइक एसिड। ओके, ये कौन सी रिएक्शन थी इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिडक्शन, HVZ रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी आप ये लेक्चर देखें, मेरा तरीका ये रहा है, आपने शुरू से देखा होगा अब तक मोर देन 60 वीडियोज़ आपकी क्लास के लिए पोस्ट कर चुके हैं, केवल आपकी क्लास के लिए, तो उसके अंदर आप क्रम से देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें और अपने नोट्स बनाएं। इसके बाद आपको किसी बुक की, किसी भी प्रकार के और चीज़ की जरूरत नहीं है। ये अगर सारा इनके नोट्स बना लेते हैं आप, और जो इनके PDF भी डालता हूँ, कोई रिएक्शन लिखने रह जाए आपसे, और पॉज कर कर के वीडियो देखें, जो एक्सप्लेनेशन में देता हूँ उनके नोट्स बना लें, तो बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।